नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के मरीज खतरे में, दोपहिया से गिरकर जख्मी हुई महिला की मौत, बादलों के बीच नवतपा की हुई शुरुआत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मेडिकल अस्पताल में म्यूकर माइकोसिस के मरीज खतरे में। मेडिकल में म्यूकर माइकोसिस के 107 मरीजों का उपचार चल रहा है। एक मरीज को रोजाना 5 से 6 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत होती है। इसके मुताबिक रोजाना 535 इंजेक्शन उपलब्ध होना जरूरी है। बावजूद इसके जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से एक दिन के आड़ में केवल 83 इंजेक्शन मिल रहे है, इससे मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है। बाजारों में म्यूकर माइकोसिस के लिए प्रभावी एम्फोटेरिसिन बी लाइफोसोमल इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक में 7,500 रुपए का इंजेक्शन 15 से 20,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी व बिक्री की प्रक्रिया शनिवार से अपने हाथ में ली है। इसकी जिम्मेदारी जिला शल चिकित्सक स्तर पर दी गई है। सरकारी अस्पतालों की जरूरत पूरी होने पर ही निजी अस्पतालों को म्यूकर माइकोसिस की दवा उपलब्ध कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है, लेकिन इस नियम पर अमल नहीं हो रहा है। तो वही दूसरी और दोपहिया से गिरकर जख्मी हुई महिला की मौत। कोराडी रोड पर पति की दोपहिया से गिरकर जख्मी हुई 38 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक आर विराम कॉलोनी काटोल रोड निवासी सुहासिनी हिरनवार है। मंगलवार को दोपहर 12:30 पर सुहासिनी अपने पति सुशील हिरनवार की दोपहिया पर पाटन सावंगी से घर लौट रही थी। इस दौरान कोराडी के कारेमोरे चौक पर सुशील हिरनवार की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। इसके चलते सुहासिनी दोपहिया से सड़क पर गिर पड़ी। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वही तीसरे और बादलों के बीच नवतपा की हुई शुरुआत। नवतपा के पहले दिन नागपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 1.9 डिग्री गिरकर 39.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वही हालांकि बादलों के बावजूद आर्द्रता का स्तर काफी कम रहा। सुबह से जहां 39% रहा, वही शाम को यह 38% पर जा पहुंचा। भले ही पारा गिरा हो, लेकिन उमस भरी गर्मी का एहसास दिन भर होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान यास आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से मध्य भारत के आसमान में भी आर्द्रता प्रवेश कर चुकी है। यही बादलों का कारण भी है। 28 और 29 को गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। पारा 40 से 41 डिग्री के आसपास बना रहेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।